हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया। आज की क्लास में भी हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पैरेलल लाइंस की ही बेसिस पे होने वाला है, राइट? तो आज का क्वेश्चन भी आप लोग के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि L लाइन और M लाइन दोनों ही क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की ही चर्चा की जा रही है, इसलिए इसमें पैरेलल लाइन के बारे ही में हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक। तो L और M क्या है, पैरेलल लाइंस है। T क्या है हमारा, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि पैरेलल लाइन के ऊपर खींची गई है, राइट। और यहाँ पर क्या बोला गया है, वन एंगल और ये टू एंगल जो है इसके बीच की रेशियो क्या दी गई है, 5:7। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री और एंगल एट, राइट। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी एंगल्स इक्वल है। तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो सेडेड वाला है, ये जो मैं एक सेड से मैं जो किया हूं, ये इसलिए किया हूं कि ये सारे ही एंगल्स, एंगल वन और एंगल थ्री क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाय व्हिच प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह क्या, एंगल थ्री और एंगल फाइव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह फाइव और सेवन क्या, एक दूसरे से इक्वल क्या होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव और एंगल सेवन, ये चारों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसको मैं मान लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, राइट। अब क्या हम लोग देख रहे हैं, एंगल टू वाली और एंगल फोर वाली भी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय व्हिच प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूं पहले, जो नए आए हैं वो ध्यान से जरूर देखेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद फोर एंगल और सिक्स एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे ये मैं बता देता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण। पैरेलल लाइंस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये क्राइटेरिया है, ठीक। उसके बाद क्या, सिक्स एंगल और एट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय दिस प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिमिलरली में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल एट, ये हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो इतनी बातें तो समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां पर क्या दिया गया है, एल एम क्या है, पैरेलल है, टी क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंगल वन और एंगल टू क्या है, 5:7 में बटा हुआ है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, हम लोग मान लेते हैं, लेट एंगल वन एंड एंगल टू इक्वल टू 5x एंड 7x, हम लोगों ने मान लिया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7x क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएंगे। बाय हाउ, देन वी कैन से दैट बाय लीनियर पेयर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 5x प्लस 7x कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या, वन एंगल और टू एंगल यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है और इसका क्या है, एक एरो इससे पास हो रही है, तो ये क्या है, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी जरूर फॉलो करेगी, ठीक। अब यहां पर क्या है, 12x इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। अब यहां क्या, हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां पे 12 वन टाइम्स 12 ही होगा और यहां पर 5 टाइम्स क्या होगा, 60 हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या आ रहा है, हमारा 15 डिग्री एक्स की वैल्यू आ रही है, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक।
तो 15 डिग्री x की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग को एंगल 1 निकालना है मान के चलो। तो यहाँ पे हम लोग एंगल 1 कैसे निकालेंगे, एंगल 1 इक्वल टू क्या है, हमें मालूम है एंगल 1 इक्वल टू 5x दिया गया है। तो 5x की वैल्यू यदि हम लोग निकाल लें तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई, 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 15 पुट किया तो क्या हो गया, 75 डिग्री 1 की वैल्यू आ गई, राइट। उसी तरह हम लोग एंगल 2 फाइंड आउट करें, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग देखते हैं। तो एंगल 2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7x की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो 7x की वैल्यू निकाले तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है, कितना होगा 105 डिग्री। ये हमारे केस की वैल्यू आ गई, एंगल 2 की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एंगल 3 की वैल्यू, राइट। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बाय इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3rd विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। सिमिलरली by equation number second, हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 क्या होगी, एंगल 8 की बराबर होगी। हम लोग एंगल 8 पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग एंगल 8 ही निकालना है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 विच इज इक्वल टू वॉट, 105 डिग्रीज, राइट। तो हमारी चारों एंगल्स निकल चुकी हैं, चारों एंगल्स की वैल्यू कितनी है, यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल 1 क्या है, कितनी है 75 डिग्री, एंगल 3rd विच इज ऑल्सो 75 डिग्री, एंड एंगल 2nd विच इज 105 डिग्री, एंड एंगल 8 विच इज ऑल्सो 105 डिग्री, राइट। समझ में आया कैसे हम लोगों ने निकाला, फर्स्ट हम लोगों ने लीनियर पेयर का इसका इस्तेमाल किया, उससे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एंगल्स इक्वल हैं, राइट। तो इससे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके एक्स की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से चारों ही एंगल्स का वैल्यू निकाल लिया, राइट। तो मुझे आशा है ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, राइट।